हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। हम खेलने वाले हैं स्टेट एजेंट, जिसमें हम लोगों से घर रेंट पर लेंगे और फिर वही घर दूसरे लोगों को रेंट पर देकर बीच में से थोड़ा सा प्रॉफिट अपना निकाल लिया करेंगे। और हम अडॉप्ट करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा डॉग और खरीदने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा घोड़ा, जिसके ऊपर बैठ कर फिर हम रेंट कलेक्शन के लिए जाया करेंगे। तो चलो फटाफट से गेम में चलते हैं। हेलो हेलो वाइफ जी, रुको बाद में नहाना, पहले मेरी बात सुनो। मुझे आज पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाल चाल हो रहा है? ठीक है, हाल चाल पूछ लो, मुझे बस पैसे बताओ तुम्हारे पास कितने हैं। तो वाइफ जी के पास $2,620 है। तो गाइस ले लेते हैं, क्योंकि हमें काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। जेब एक मतलब एक फूटी कोड़ भी मेरे पास नहीं थी, सारे घर मैंने रेंट पे ले रखे थे, आगे लोगों को भी रेंट पे दे रखे हैं, तो रेंट उनसे चार्ज करेंगे तो काफी ज्यादा पैसे हमारे पास आ जाएंगे। खाने पीने की चीजें यहाँ से मैं ले रहा हूँ, काफी ज्यादा मैंने ले ली हैं और सारी की सारी रोड पे बिखर गई हैं। उठा लेते हैं, क्योंकि भाई पेट भरा होगा ना तो रेंट अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे, बात भी अगले बंदे से अच्छे से हो पाएगी। तो मैडम फटाफट से रेंट निकाल दो, मैं पहले ही बड़ा गुस्से में वाइफ जी के साथ उधार करके इधर आया हूँ रेंट लेने के लिए। आने जाने के पैसे भी नहीं थे भाई पॉकेट में। हेलो मोटे अंकल, तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? ओके, तो भाई साहब हमारे किरायेदार काफी ज्यादा अच्छे हैं, एक बार रेंट मांग रहे हो तो दे रहे हैं। मैं कल पे बात भी नहीं डालने वाला, अगर किसी ने कहा ना भाई कल को आ जाना या परसों को आ जाना या चौथ को आ जाना या मंथ बाद आके रेंट ले जाना, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इनको उठा के बाहर फेंकूंगा, अपना घर फारग करवाऊंगा, दूसरे बंदे को दे दूंगा। भाई डर रहे हैं ना, देखो सारे के सारे रेंट निकाल के दे रहे हैं। भाई डॉग काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। ओके, तो हम इसे पेट बना सकते हैं अपना, लेकिन मेरे ख्याल में उसके लिए इसे प्यार व्यार करना पड़ेगा, इसकी डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा। ओके, तो भाई डॉग हमने अडॉप्ट कर लिया, इसका नाम रख लेते हैं टीकू। टीकू मेरे माइंड में यही नाम आ रहा है, अच्छा नाम है, बुरा नहीं है, प्यारा लग रहा है टीकू। चल भाई टीकू घर चलते हैं, आ जा फटाफट आ जा। हाँ घर चलते हैं, टीकू को छोड़ते अपने घर। हाँ ये रहा इसका घर। टीकू बात सुन ले यार, नेबर्स को तंग नहीं करना, मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, किसी को तुमने काट लिया चलते फिरते इंसान को, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। ओके हम इसके साथ प्ले भी कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। ओके ये बॉल है, बॉल को जरा दूर थ्रो करते हैं, देखते हैं टीकू उठा के ला पाता है कि नहीं। टीकू जा उठा के ला तो सही है भाई साहब, टीकू के साथ काफी ज्यादा टाइम पास हम कर सकते हैं। तो टीकू हमारा काम का है यार, ठीक है। ओके तो गाइस टीकू बदमाशियां खत्म, मैं काम पे जा रहा हूँ, बदमाशी कोई नहीं करनी। ओके तो गाइस ये बहुत बड़ा घर है, रेंट पे ले लेते हैं इसे। हेलो मैडम जी, कोई ऐसे कपड़े पहन के, क्या तुम्हारे माइंड में होगा ऐसे कपड़े पहन के मैं आऊंगी तो मैं तुम्हें $53,000 दे दूंगा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, 40,000 में मुझे दे दो। नहीं दे रही, ओके 45,000 में दे दो। ओके तो गाइस ये घर हो चुका है हमारा, परमानेंटली हमारा नहीं, हो चुका, एक मंथ के लिए हमने लिया है, तो इसको रिटर्न भी कर देंगे ये घर। तब तक के लिए हम काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे इस घर से, लोगों को रेंट पे दे देकर। ओके इसकी फ्रंट फोटो ले लेते हैं, क्योंकि हमने भाई एड भी लगानी है ना, तो एड देख के लोग आएंगे ना। तो एक राइट कॉर्नर से और एक भाग के लेफ्ट कॉर्नर से फोटो ले लेते हैं, उसके बाद इसका रेंट सेट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार इसका कितना रेंट सेट किया जाए, $8,000, $9,000, $10,000 पर डे होगा, तो देख लेते हैं। पहले फोटो को प्लेस कर लेते हैं जो हमने अभी अभी बनाई है घर की फोटो। तो ये रही फोटो, एक ये और एक ये। अब बारी आती है यार रेंट की, रेंट कितना चार्ज करें? 8,000 ठीक है यार, एक्सपेंसिव है तो ठीक है, इतना आ ही जाएगा। रात हो चुकी है, वापस चलते हैं अपने घर सोने के लिए। टीकू तुम्हारा खाना खत्म हो गया भाई, आज इतना भूखा था बाहर बैठा हुआ। ओहो चलो हमने खाना डाल दिया। ओके वाइफ टीवी देख रही है, ये डोर तो क्लोज कर लिया कर। ओके तो गाइस अपनी नींद पूरी करते हैं, ये हम सो गए, ये मॉर्निंग भी हो चुकी है, नाश्ता किधर है? हेलो वाइफ जी, लगता है वाइफ जी नाश्ता करवाने के मूड में नहीं, हमें बाहर से नाश्ता वास्ता करना पड़ेगा। ओके नाश्ता भी बाहर से कर लेंगे, पहले चलते हैं नोटिंग हिल में लोगों से रेंट वसूल करने के लिए। हेलो मैडम जी, $1,200 आपसे मैंने लेने हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से निकाल दो वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। रेंट वसूल हो चुका है, काफी लोगों से हमने रेंट कलेक्ट करना है, तो मेरे ख्याल में यार ये हमारे लिए दिक्कत की बात है कि हम रोज रेंट कलेक्ट किया करें, वो भी खुद जाकर, काफी मुश्किल है हमारे लिए। तो इसके लिए आगे चल के ना थोड़े पैसे वैसे हमारे पास हो जाए ना, तो एक बंदा रख लेंगे, बंदे दो तीन चाहे मुझे रखने पड़े वो रख लेंगे, क्योंकि हमें रेंट खुद कलेक्ट नहीं करना, हमारा टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाएगा अगर वो हमारे लिए रेंट कलेक्ट कर लिया करें। ठीक है तो वो बंदे भी मुझे यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे, पहले इनसे तो रेंट कलेक्ट कर लेना। ओके एक तो यार ये कपड़े पता नहीं कैसे, मैं क्या ही बोलूं यार, समझ नहीं आ रही, बस पैसे निकाल मेरे, कुछ नहीं मैं कमेंट करने वाला तेरे पे। ये घर सेल हो रहा है क्या? ओके हेलो भाई, तू ही शर्ट पहन ले, तू ही अच्छे से कपड़े पहन ले, क्या कर रहा है? 67,000 मांग रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? 50 पकड़ और बात खत्म कर। नहीं पर क्या कर रहा है तू? क्या यार मैं इसे क्या बोलूँ, क्या मैं बोलूँ, 5,000 बढ़ा देते हैं और क्या है, हद है यार ये बंदा टपोरी।
अबे क्या कर रहा है 57 में, मान जा। ओके तो गाइस 57 में ये भी घर हमारा हो चुका है। फोटो शूट, अबे टकले पीछे हो यार, फोटो बनानी है। ओके एक इस कॉर्नर से ले लेते हैं, इसको पहले ऐड पे चढ़ाते हैं, फिर सोचते हैं हमने करना क्या है आगे। यहाँ से ओके, यहाँ व्यू ठीक आ रहा है, ठीक है। अब इसे ऐड पे लगा देते हैं। इसका रेंट कितना सेट करें? रेंट यार इसका देख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। कोई 8500 या कुछ 8000 पे लगा के देखते हैं। 8000 ठीक है यार, ठीक है, वो एक्सपेंसिव भी नहीं है ज़्यादा। हेलो मैडम जी, रेंट कलेक्ट कर रहा हूँ मैं आज। ओके आई हैव अ लिटल डिफिकल्टी विद द रेंट। क्या रेंट मुझे नहीं दोगी? आई कैन पे इन डिफरेंट वे। कौन से तरीके से मुझे रेंट दे रही है? ट्राई करें, मुझे कोई गलती तरीका लग रहा है। तेरी माँ की आँख, ये मुझे रूम में ले आई, मुझे पहले ही इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। ए, दो नंबर औरत, तेरी ऐसी की तैसी कोई चीज मुझे पकड़ा ना इसके सर में मारूं। तेरी ऐसी की तैसी, क्या क्या यार, गुस्सा आ रहा है मुझे यार। अब रेंट लेने के लिए आया हूँ, रूम में ले आई मुझे, दो नंबर औरत क्या कर रही है? तुझे घर से फायर करता हूँ, घर समेत तुझे मैं जला देना। मैंने निकलते हैं यार, दफा करो यार, ऐसा समझ रखा है का। हेलो वाइफ जी, किधर? वाइफ को बताते हैं, वाइफ को गुम गई क्या? वाइफ जी हेलो, किधर है? काम कर रही है। बता दें क्या वाइफ को? रहने देते हैं यार, ऐमी शक करेगी फिर। कोई और बात कर लेते हैं, क्या करूं मैं? हाँ ये ठीक है, हाँ हाँ करो करो करो, मैं सी यू लेटर कर देते हैं भाई, और कुछ नहीं करते। ऐमी कोई फड्डा पड़ जाएगा, कल को घर से बाहर ना जाने दे, फिर फायदा क्या? वाइफ की माननी पड़ेगी हर बात। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, किधर गई? हेलो वाइफ जी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वाइफ ना आ रही है। अबे डोर तो क्लोज कर लिया करना, कम से कम डोर तो क्लोज कर लेते, टीवी देखती है, बाहर का डोर ओपन होता है, नहारी होती है, वॉशरूम का डोर ओपन होता है। एक तो समझ नहीं आती मुझे इसकी, घोड़ा लेने चलते हैं भाई सब अपना घोड़ा। ये तो कुछ चार घोड़े लगे हुए हैं, ये बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, जबरदस्त एकदम। ये कुछ खास नहीं है, व्हाइट कलर में ठीक है, लेकिन वो मुझे पहले वाला अच्छा लगा, वो उसकी गर्दन पे जो बाल थे ना लंबे लंबे, बड़े प्यारे लग रहे थे यार। ये देखो ना, ये भी ठीक है, लेकिन ये देखो, ये कुछ डिफरेंट है यार, सबसे डिफरेंट है। इसको बाय कर लें क्या? बाय करते हैं इसको फटाफट से, $39,000 का। कोई बात नहीं, हमारे पास काफी ज्यादा पैसे थे, हमने लोगों से काफी ज्यादा रेंट वसूल किए थे, तो उसी के पैसे मैंने इस घोड़े पे लगा दिए। ट्राई करते हैं घोड़े को भगा के, देखते हैं कैसा भागता है, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। अपने घोड़े की स्पीड तो एकदम मक्खन टाइप है, मतलब जबरदस्त है, बस सांस चढ़ जाता है। ये देखो यहाँ पे बस हो गई हमारे घोड़े की, सांस चढ़ गया, थोड़ा आराम करते हैं फिर बाघ। ओके टीकू को दिखाते हैं। हेलो टीकू, तेरा यार आया, चेक कर इधर। यार हाय भाई बोलना अपने यार को, तेरे लिए मैं इतना यार $39,000 खर्च करके तेरे लिए मैं एक यार लेके आया, तू ऊपर से हाय नहीं बोल रहा, लगता है तेरी पटाई किसी ने कर दी। ओके गाइस हम चलते हैं अपने घोड़े के ऊपर रेंट वसूल करने के लिए लोगों से। मैंने आना नहीं था, मैंने बंदों को हायर करना था जो हमारे लिए रेंट को कलेक्ट करते, लेकिन पूरे सिटी में घुमाते हैं अपने घोड़े को, रेंट वसूल करके लेके आते हैं लोगों से। घोड़े को हम साइड पे पार्किंग पे लगा के, ये मैडम हेलो, ये मैडम भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे मुझे डर लगता है यार। रेंट देने के बजाय कहती है कोई और तरीका है रेंट वसूल करने का, वो आ जाओ भाई, इससे डर ही लगता है। मैं नहीं, ऐसा वैसा नहीं नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। ओके भाई इस गाड़ी से भी तेज भागता है हमारा घोड़ा, तो इस टाउन से मेरे ख्याल में यही तीन घर हैं जिनसे हमने किराया वसूल करना है, उसके बाद तो दूसरे टाउन में जाना पड़ेगा मेरे ख्याल में। और घोड़ा है हमारे पास, चले जाएंगे दूसरे टाउन में भी, कौन सी टेंशन है। हाँ भाई $1200 लेके आ जा फटाफट से। अब देख रहे हो सारे लोग अच्छे हैं बिल्कुल, एक जबरदस्त है, टाइम पे किराया देते हैं। एक वो ही पता नहीं क्या थी वो बंदी, किराया देने के बजाय ऊपर से ऊंट पटांग हरकते हैं, मैं नहीं करता भाई। हेलो मैडम जी, तुम लोगों से ना किराया वसूल करना बस हौसले की बात है, मैं तो बंदे रखने वाला हूँ इसके बाद भाई, तीन चार बंदे रख लेंगे जो हमारे लिए किराया लेके आया करें। हम नहीं इस सिटी में बदनाम होना चाहते, कहेंगे यार वो किराएदार है, वो मालिक है, वो जो बंदा आगे घर लेता है किराए पर और आगे लोगों को फिर देता है किराए पे, वो बंदा ठीक नहीं है। तो ऐसा नाम कमाने से बेहतर है भाई तीन चार बंदे रखो, वही तुम्हारे लिए रेंट कलेक्ट करके ले आया करेंगे। ओके तो मेरे ख्याल में हो चुका है यार काफी कुछ, चलते हैं अपने ऑफिस में, काफी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। घोड़े को लगाते हैं पार्क पे साइड पे, उतर जा भाई उतर जा, क्या कर रहा है, उतर उतर फटाफट से उतर, चले जाएंगे यार सारे लोग, पता नहीं कितनी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ भाई अंकल $2200, ओके ओके, अंकल को 7 दिन के लिए घर चाहिए किराए पे। अंकल ये 1639, नहीं अंकल ये जाओ यार घर, डिस्काउंट वगैरह मैं नहीं करता, निकल जाओ फटाफट से। यार ये क्या मेरे हाथ में, अरे किधर यार ये क्यों मेरे हाथ में आ गया? मैडम जी ओके ओके, जाने ही लगी थी, मैडम को 9 दिन के लिए घर चाहिए, ठीक है मैडम, ओके 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 ओके, मैं कागज वगैरह तैयार करता हूँ आप जाओ। अरे फिर ये मेरे हाथ में आ गया यार, क्या ये, इसको बाहर फेंक दूँ क्या?
इस लेडी से पूछते हैं, तुमसे तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तुम्हारी तो बात ही नहीं, 14 दिन के लिए इसको घर चाहिए। ठीक है ओके, दे दिया तुम्हें घर, जाओ मैं कागज वगैरह तैयार करके आ जाता हूँ पीछे। मैडम ओके जल्दी में हो तो 6 दिन के लिए मैडम को चाहिए, ओवर बजट तो मैडम घर जाओ ना, क्या कर रही हो यहाँ पे, बजट के साथ आओ ना। हद है यार, पॉकेट में पैसे होते नहीं है, घर रेंट पे लेने के लिए आ जाते हैं। पता भी है ये रेंट वाला बंदा ऐसा वैसा डिस्काउंट नहीं करता। ये हुई ना बात, वो कह रहा मेरे बजट से बाहर था लेकिन फिर भी मैंने ले लिया ये घर। ये हुई ना बात, ये क्या बात हुई, मेरी बजट से बाहर है आप डिस्काउंट कर दो। भाई भाड़ में जाना डिस्काउंट लेना, किसी और शॉप पे जाना, किसी और रेंट वाले के पास जा, उससे घर ले ले, मेरे पास क्यों, मेरा क्यों सर खाते हो तुम लोग आके। यार टीकू तेरी नाराजगी खत्म हुई क्या? नहीं छोड़ यार, टीकू की नाराजगी खत्म नहीं होने वाली, इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। मैं सोच रहा हूँ घोड़े को कहाँ पे पार्क करूँ, यहाँ पे कोई जगह ऐसी नजर नहीं आ रही जहाँ पर अपने घोड़े को बांध कर हम अपनी सुकून से नींद पूरी कर सकें, तो ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कहीं नहीं हमारा घोड़ा जाता, टीकू है ना ख्याल रखने के लिए, अपनी नींद पूरी करते हैं। और हमने यार जाना है नेक्स्ट डे एजेंट्स को हायर करने के लिए जो हमारे लिए रेंट को कलेक्ट किया करेंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है, एक भाई साहब आ रहे हैं बड़ी जल्दी में। भाई साहब रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, बात तो सुन लो, मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे लिए काम करे, तो आप तो मेरे लिए काम नहीं करोगे तो आप डिसमिस हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ, मुझे दोबारा नजर ना आइयो। शाबाश, इस मैडम से पूछ लेता हूँ। हेलो मैडम जी, मैडम तो बात करने के मूड में ही नहीं है। एक और मैडम आ रही है, हेलो मैडम जी कैसे हो आप, ठीक हो ना, तो मैडम हमारे लिए काम करेगी, पूछ लेते हैं। ओके मैडम ने एक्सेप्ट कर ली हमारी ऑफर, तो 5 रेंट कलेक्ट किया करेगी। ठीक है यार, काफ़ी है 5 रेंट भी, बाकी काम मैं खुद देख लिया करूँगा। एक इसको भी हायर कर लेते हैं जी ब्रो, तो 3 रेंट ये बंदा हमारे लिए कलेक्ट करेगा, 180 पर डे। ठीक है भाई, सुबह ऑफिस टाइम पे आ जाना और अपनी ये चाल ठीक कर लो, ये चलता देखो कैसे है, अपनी चाल थोड़ी ठीक करके ऑफिस के बाहर आना, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं मेरे ऑफिस के बाहर, तो बिस्ती मत करवा देना, पता चले भाई इस बंदे ने एम्प्लॉई कैसे रखे हुए हैं, ऐसा सीन भी हो जाता ना। ये सामने मैडम खड़ी हुई है, ये खतरनाक वही मैडम है, देख के मुझे याद आ गया, ये मैडम बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या कह रही है, शैल वी एक्सप्लोर इट टुगेदर। अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं एक्सप्लोर, मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा खुद को तुम्हारे साथ कहीं घूमने फिरने की, सो चली जाओ मेरी नजरों से, तुम भी दूर हो जाओ। और रुको 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 रुको, ये मैडम अपना घर सेल कर रही है। मैडम $1,75,000 मांग रही है, मैडम ऐसे कपड़े पहनोगी मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, गलत बात है, तुम्हारी सोच ही गलत है, 2 नंबर, तुम्हारे साथ मैं पहले भी मिल चुका हूँ, तो 1,00,000 पकड़ और मुझे ये मेरा घर दे दे, मतलब अपना घर मुझे दे दे, अभी तो उसका घर है ना हमारा, होगा अभी होने वाला है 1,20,000 में, मान जा। नहीं मान रही यार, सीधा 1,50,000 बोल देता हूँ, 1,50,000 पकड़ बस, ठीक है बात खत्म। ओके तो गाइस ये घर हमारा हो चुका है, असल में ये रेंट भी नहीं उसने दिया, 1,75,000 में टोटल उसने हमें सेल कर दिया, और हम इसे मेरे ख्याल में आगे भी सेल कर सकते हैं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हमें दे के जाने वाला, देखते हैं कितना प्रॉफिट दे के जाता है। 1,50,000 में लिया है, 1,75,000 में बोल रही थी, तो इसकी फोटो वगैरह हमने बना ली है, तो 8,00,000 में प्लेस करके देखें भाई, 8,00,000 में, 1,50,000 का लिया, अगर ये 8,00,000 में हमारा सेल हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। रात हो चुकी है, टीकू का खाना टीकू को दे दिया, अब चलते हैं सोने के लिए। चलो भाई ये आराम की नींद, एकदम आराम की। नेक्स्ट मॉर्निंग एक बंदा और चाहिए मुझे जो मेरे लिए रेंट कलेक्ट कर सके। ओके भाई साहब कितने रेंट कलेक्ट करोगे, 3 रेंट कलेक्ट करेगा, ठीक है यार सुबह ऑफिस आ जाना। ओके ब्रदर 8,00,000 मैंने ऐड लगाई थी इस अपने हाउस की, तो ओ भाई कितने के, 5,95,000, भाई क्या कर रहे हो यार, 5,95,000 में क्यों 7,00,000 दे दो, घर ले जाओ। ओके निकल, शाबाश निकल निकल निकल, मत गर्दन में लगाऊं तेरे, यार कोई ऑप्शन नहीं है गेम में थप्पड़ मारने का। ओके तो ये हमारे भाई तीनों आ चुके हैं जिनको हमने कलेक्शन के लिए हायर किया था, यार ये मेरे हाथ में आ जाता है, इसको साइड पे लगा। ओके ब्रदर 8,00,000 का मैं दूंगा, इससे काम नहीं देने वाला। यस ओके ओके यस यस, मैं पेपर वर्क सारा कंप्लीट कर दूंगा भाई, जाओ तुम, 8,00,000 में हमारा घर सेल हो चुका है, काफी बड़ी अमाउंट है जो हमने अर्न कर लिया है। ओके आपने 29, 18 और 11 घर का रेंट कलेक्ट किया, आपने मैडम जी आपने 28, 12, 27, 26, 3, भाई काफी ज्यादा रेंट कलेक्ट किया है। हाँ भाई तुमने कितने घरों का रेंट कलेक्ट किया? अरे भाई क्यों नहीं किया, फायर कर दो इसे, क्या जॉब से निकाल दूं? नहीं यार जल्दी हो जाएगा, हम चलते हैं सीधा शोरूम में, मैं देखना चाहता हूँ कोई गाड़ी ले लूं, लेकिन यार मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ इस शोरूम में काफी ज्यादा ऐसी गाड़ियां जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है हम लेंगे, लेकिन अभी बस उतने ही पैसे थे, हमने घोड़ा बाय कर लिया, मैडम से बात करके देख लेते हैं मैडम क्या कहती है। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैं क्यों चाहूंगा अपनी गाड़ी को यार सेल करना, वही एक ट्रक खड़ा हुआ है मेरे पास, वही बर्दाश्त नहीं हो रहा इन लोगों से। 2,70,000 में BMW मिल रही है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है।
ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है भाई। ये कितने की होगी? $1,44,000, काफ़ी ज़्यादा है, औकात ही नहीं है अपनी। मैं सोच रहा हूँ यार हम चलते हैं सीधा फार्म के ऊपर। हमारे घर के सामने एक फार्म है, हमारा घोड़ा वैसे ही खड़ा हुआ है, टीकू के लिए तो घर है ही ना, तो घोड़े को बांधने के लिए भी कोई फार्म वगैरह वहाँ पर ही बांध सकते हैं। तो इस फार्म में हम आ चुके हैं, किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने का दे रहा है ये। हेलो मैन, अंकल जी क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे? एक डॉग को भी, डॉग सर हिला रहा है आपका। पूछ लेते हैं, इसी का फार्म है ना? यस भाई उसी का फार्म है। अच्छा कीमत पूछ लेते हैं, अंकल जी क्या प्राइस है इसकी? क्या अंकल जी, $1,000,000? अंकल जी $1,000,000 में फार्म? फार्म काफी ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, देख लेते हैं। ओके अंकल जी बाद में मिलेंगे, अभी मेरे पास कैश नहीं है। फार्म को देख लेते हैं यार, फार्म कैसा है? फार्म तो काफी बढ़िया लग रहा है मुझे, घर भी साइड पे बना हुआ है, ये देखो घर भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो इधर उधर अंकल जी ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। अंकल जी आएंगे, थोड़ा कैश कम पड़ रहा है तो थोड़े दिनों बाद आएंगे, तुमसे फार्म लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा घोड़ा यार बाहर ही बांधा हुआ है। फार्म स्टोर है ये, फार्म तो यार काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है। बंदा करे क्या यार, जब बड़ी चीज़ लेने का दिल करता है जेब में पैसे नहीं होते। कोई बात नहीं लेंगे, कोई मसला नहीं है। टीकू परेशान नहीं होने का भाई, फार्म ये खरीद लेंगे हम, अपने घर के बाहर जो फार्म है वो बाय कर लेंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। वाइफ जी किधर के डोर को कर देते हैं क्लोज, और साथ ही गाइस यहाँ पे हमारे गेम प्ले का होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो बाय।